तो सक्सेसफुली चेकआउट हो चुका है इस वन, और यहाँ पे इतनी वैरायटीज हैं, मतलब फेरन टाइप में कुर्ताज भी हैं। ठीक है दीदी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे। शिमला के लिए वैसे गाइस अब रोड बहुत अच्छा हो गया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे ये मुझे इन्होंने 400 रुपए का दिया। ये आई डोंट नो, ये ऑनलाइन भी मिलता होगा कितने भी, जब ये अपना मुंह खोल के सो रही होगी तो दिखेगा आपको। आएंगे हम, आज तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इस तरह से, बट क्या कर सकते हैं फिर। Just take my hand and fly up through. Hi friends, very good morning. कैसे हैं आप सभी? Welcome to our YouTube channel, Viraj and Isha. मैं हूँ राज। So, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि हम सोलन तक पहुंच गए थे, तो हमने पूरा दिन शॉपिंग की और रात को हम होटल में थोड़ा लेट पहुंचे और रात को आके हम सो गए थे। तो सोलन में भी हम आपको थोड़ी देर के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, हम अभी यहाँ से निकलेंगे तो थोड़ा कुछ शॉपिंग करेंगे और जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से हम शिमला की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। मीनवाइल अभी हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आपने हमारा अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं आई बटन में ऊपर दे दूंगा, आप उसे देख लें ताकि आपको पता चले कि हम सिरमौर से हमने चलना शुरू किया था, हम चितौली मंदिर गए और सोलन में हम रुके। ये पिछला ब्लॉग में था, आज उसी का पार्ट टू है। हम सोलन से चलेंगे और नारकंडा कोटगढ़ हम रात को घर पहुँचेंगे, तो जुड़े रहे हमारे साथ गाइस और देखते हैं कि हम आज क्या क्या करते हैं। तो अब हम जा रहे हैं चेकआउट करने, अभी मैं ईशा और बीवी पीछे से आ रहे हैं और मैं नीचे उतर रहा हूँ रिसेप्शन के लिए ताकि चेकआउट कर लें। तो सक्सेसफुली चेकआउट हो चुका है, अब हम अपनी गाड़ी की ओर बढ़ेंगे। ईशा हमारे पीछे आ रही है और अगर आप मेरी बैक साइड देखोगे तो नीचे सड़क जा रही है सीधा नीचे, ये वाली सड़क, और जो जहाँ नीचे जाके नीचे ऑटो दिख रहे हैं आपको, ये सोलन का मेन बाज़ार की सड़क है। तो हम बिल्कुल सिटी सेंटर में रुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे रुकने का रीज़न यही था कि हमारे को हर चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, गाड़ी निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम पहले गाड़ी में सामान रखते हैं और फिर हम यहाँ से निकलते हैं मार्केट की ओर। हेयर इज़ ईशा। सो ईशा, तुम्हारी शॉपिंग पूरी हो चुकी कि नहीं हुई अभी भी? हाँ, इनफ। ये एक्चुअली ना कल से लेकर हम चले हैं और हमारी शॉपिंग पूरी नहीं हो रही है और ईशा की पता नहीं कुछ ना कुछ, अभी ईशा ने पता नहीं क्या लिया है, उधर से कुर्ता लिया है, खोलो, इट्स लाइक अ वूलन, इट्स इन वूलन स्टफ। यहाँ पे शॉप में बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते हैं, दिस वन, और यहाँ पे इतनी वैरायटीज हैं, मतलब फेरन टाइप में कुर्ताज भी हैं दैट आई गॉट वन ऑफ। और दूसरा कौन सा लिया तुमने? अगेन ये वाले कुर्ता लिया तुमने? दिस वन, दिस इज लाइक काइंड ऑफ फुल सेट, यू नो। अच्छा, सेट है पूरा ये? ये इसका लोअर है और ये इसका अपर है, ये भी बिल्कुल मतलब वार्म स्टफ है। ओके, अगेन देन उसके बाद तीसरा का ऑर्डर नहीं चला, सॉरी, चला गया। अच्छा, वो मतलब बटन वाला है, इस टाइप में है। अच्छा, ये की है? हाँ, ये तो नहीं लिया ना, ये तो नहीं लिया। अच्छा, वो ऑल्टर के लिए गया, ऑल्टर के लिए गया, वो इस टाइप कलर, थोड़ा सा मस्टर्ड सा कलर है उसका, मस्टर्ड सा कलर है और फेरन वाला है, लुक है बिल्कुल। और एक ईशा, तुमने जो हाईनेक पहना ये खुद? हाँ, ये भी लिया मैंने, काफी वार्म। तो अब हमारा यहाँ से फाइनली सारा शॉपिंग हो चुका है शॉप से, दीदी फाइनल कर रहे हैं, अब देखते हैं हमारे को क्या सब्सिडी मिलती है दीदी की साइड से फाइनल बिलिंग में। ठीक है दीदी, थैंक यू, मिलते हैं आपसे, थैंक्स। सो गाइज, हम लोग अब ऑलमोस्ट सोलन से फ्री हो चुके हैं। वीवी को हमने खाना खिला दिया, तो वीवी को हम खाना पैक करा के लाए, तो हमने अपने लिए भी ले लिया क्योंकि वीवी के साथ हमारे को आगे रुकने की बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए हमने कि अपने लिए भी पैक कराया। हम गाड़ी की डिक्की पे खड़े होकर यहीं पे खा रहे हैं, यहाँ से खा के हम बिल्कुल पार्किंग से गाड़ी लेंगे और सीधा शिमला की तरफ निकलेंगे हम यहाँ से। अब तो वीवी, तुम्हारा खाना हो गया? ईशा, कैसा खाना? अच्छा, व्हाट इज दिस, है क्या ये? ये दाल है, दाल मखनी और चावल है और दही। तो बस हम फटाफट खाना से खाएंगे यहाँ से, खाना खाने के बाद हम सीधा निकलेंगे शिमला की तरफ, तो मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। तो हम कांडा घाट पहुँच चुके हैं, ये यहाँ का चौक है और यहाँ पे आज मतलब उतना नहीं है ट्रैफिक, बोला नहीं जा सकता कि ज़्यादा ट्रैफिक है। हमने किसी ने हमारे को बताया था कि दो दिन पहले यहाँ पे 3-3 घंटे का जाम लग रहा था यहाँ पे, और मोर ओवर 31st and 1st like January of every year is like so crowded क्योंकि बहुत ज़्यादा tourist आते हैं। अब हम शिमला की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अभी आज traffic कम लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद हम 1.5 घंटे में पहुंच जाएं शिमला, फिर दिल्ली तक पहुंचते भी टाइम लगेगा मार्केट में, देखते हैं। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं शिमला की तरफ। तो शिमला के लिए वैसे गाइस अब रोड बहुत अच्छा हो गया हुआ है यहाँ पर, इसमें ऐसा है कि मोमेंटम नहीं बनता है,
ये टू वे लाइन है, जैसे कि आप देख रहे हो टू वे है, उस साइड से भी गाड़ियाँ जा रही है, पर 200 मीटर हार्डली टू वे निकलता है, उसके बाद कहीं ना कहीं से स्लाइड आया होता है और वो टू वे से कन्वर्ट होकर वन वे हो जाता है, फिर वो जाम से लगना शुरू हो जाता है। पर ये है कि फिर भी अब काफ़ी हद तक आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं लास्ट टाइम आया था तो बहुत बुरे हाल थे, हर 100 मीटर के बाद टू वे से वन वे हो रहा था, आजकल अच्छा है। टू वे का मतलब टू वे ही है काफ़ी हद तक, मतलब कि एक एक दो दो किलोमीटर के बैच भी बीच में मिल रहे हैं कि जहाँ पर टू वे है। अगर ऐसे ही रोड शिमला तक हो जाए तो मुझे लगता नहीं है कि 40 मिनट से ज़्यादा शिमला के लिए लगने चाहिए, यहाँ से इतने लगेंगे तो बात की बात है। पर ये बताएं कि कल हम लेंसकार्ट गए थे, आपने देखा था हम लेंसकार्ट स्टोर में थे, तो जो हमने बाकी थे कि हमने चार वहाँ से स्टैक्स लिए थे, दो ईशान है दो मैंने, तो तीन जो हमारे थे वो उसमें हमारे नंबर लगने थे, तो उसमें हमने लेंसेज लगाने के लिए उनके पास दे दी हैं, वो बाय पोस्ट उसको सेंड करेंगे, वो हमारे घर पे आ जाएंगे, मतलब दो चार दिनों में शायद हमारे घर पे पहुंच जाएंगे, जिस दिन भी आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक जो मेरा था ये शेड वाले थे, तो ये मैंने अपने लिए लिए थे। तो बाकी बताओ आप ये कैसे लग रहे हैं, मेरे ऊपर अच्छे लग रहे हैं क्या जी, तुम्हें कैसे लग रहे हैं? सही लग रहे हैं मुझे तो। अच्छा, ईशा ने वैसे पर्पज पता क्या था, ईशा कह रही थी मैं खुद भी पहन लूँगी, अगर कभी आप नहीं पहनोगे तो मैं पहन लूँगी, इसको इसलिए अच्छे लगे क्योंकि इसको खुद के लिए अच्छे लग रहे थे ये, अब इसको तो खैर अच्छे लगेंगे ही। आप बताएं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? स्मार्ट अच्छा ही बोलना यार, अब बुरा मत बोल देना यार, तुम लोग दिल पे लगेगी मुझे, फिर पैसे खर्च दिए मैंने अब इसके लिए पहले अभी हमें हाँ एक वो भी लेना है, मोबाइल होल्डर लेना है हमें, जो माउंटिंग वाला रहता है ना गाड़ी में होल्ड करने वाला। प्रॉब्लम ये रहती है मेरे साथ कि वैसे ईशा रहती है साथ में, ये मोबाइल पकड़ लेती है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये ज़्यादा देर तो इनकी तबीयत खराब रहती है, कभी भी सोना है हमें, नींद आ रही है हमें, और फिर शूट मुझे अकेले करना पड़ता है। सो गाइज हम आ चुके हैं, हमारे को बड़ी मुश्किल से मिला, हमने दो तीन देखे ये माउंट मोबाइल होल्डर माउंट, अब हमारे को एक जाके मिला है, ये है सोनी लेक्स का, अच्छा है, कॉम्पैक्ट है। वैसे आजकल दूसरे भी आपने देखे होंगे जो एडजस्टेबल होते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, हमारी गाड़ी पुरानी है और इसके जो डैशबोर्ड का स्पेस है बहुत कम है, शीशा काफ़ी नज़दीक है और हमारा बच्चा साथ में है तो ये तोड़ देता है, तो हमारे को मिला सोनी लेक्स का छोटे वाला, ये अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटा सा है, छुटकू सा है, और इसका वैक्यूम बहुत अच्छा है, अगर आप देख सकते हो कि इसका जो वैक्यूम है, देखो आप सक्शन देख रहे हैं ना, आपको दिख रहा है सक्शन, दिख रहा है उसमें सक्शन, देख रहे हो आप कितना सा सक्शन है, ये अच्छा है, और एकदम कहीं भी निकालो कहीं भी चिपका दो। ये 450 रुपये का था, तो यहाँ पे ये मुझे इन्होंने 400 रुपये का दिया, ये आई डोंट नो ये ऑनलाइन भी मिलता होगा कितने का होगा, मैंने देखा नहीं है बिकॉज हमें इमीडिएट जरूरत पड़ेगी अर्जेंटली इसकी। ओह वाओ वाओ, तो बहुत पक्का है यार, निकालना जरा, निकालना क्यों, तो ना फंस गया है तो इसमें प्रॉब्लम एक है कि इसमें जब लगाते हैं ना इसको, जो इसका ये पोर्शन है ना वीडियो बनाते वाली रोड पे ये नज़र आता है साथ में, तो बस इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब इसमें इसको लगा रहे हैं तो अभी जैसे दिख रहा है ना आपको साइड से इसमें एंगल में फंस रहा है, तो अब इसको एक एंगल पे हमारे को मोड़ना पड़ेगा ऐसे, हाँ अब जाके आता है ईशा, अब जाके हट रहा है। सो गाइज हमारा माउंट फिट हो चुका है मोबाइल होल्डर का वॉल में, मैंने ड्राइवर साइड के कॉर्नर में इसको लगाया है, अब यहाँ से बिल्कुल फिट सही आ रहा है, इसमें ईशा भी नज़र आएगी सोते हुए, जब ये अपना मुंह खोल के सो रही होगी तो दिखेगा आपको, और मैं तो मिस्टर लेंसकार्ट हुई अब आज, तो मिस्टर लेंसकार्ट, अब हम लेट हो रहे हैं, हमारे को चलना पड़ेगा इससे पहले कि हम घर के लिए और ज़्यादा लेट हो। अब हम लोग मोबाइल क्वार्टर से चलेंगे आगे की तरफ। चलो तो फिर हम चलें, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी है रोड पे, अब जाम भी लगने वाला है, शाम को 5 बज रहे हैं हमारे को इससे पहले। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं बाईपास, ढली बाईपास में, एक्चुअली हम संजोली पहुंचे अभी, 5 बजे संजोली बंद हो जाता है, तो वहां पे तो बंद हो गया था तो हमारे को बाईपास होके आना पड़ा, अब बाईपास होके हम अभी ढली पहुंचने वाले, ढली से बस 100-200 मीटर पीछे पेट्रोल पंप आता है, तो यहां पे हम अभी पेट्रोल भर रहे हैं, टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 5:15, हाँ 5:20 हो चुके हैं अभी शिमला में, और बाकी हमारी शॉपिंग का रुझान अब निकलना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हो कि मैंने हेयर बैंड भी पहना है,
ये यहाँ से ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा है तो कान में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैंने ये लिया सोलन में। सच में पहनने का बिल्कुल उड़ चुकी है ठंड अब तो। अब हमारी शॉपिंग के रुझान निकल रहे हैं, जिसमें मैं जैकेट पहना है, ये मैंने कल लिया है, नया जैकेट लिया है, और ये लिया, ये मैंने बैन नया लिया है। हमारे साथ ईशा है, ईशा का जो ये भी जैकेट स्वेटर पहनी है ईशा ने, ये ईशा ने नई स्वेटर लिया है, ये भी हाई नेक है, और इसने टोपी लिया है, ये भी बहुत वार्म है। तो अब ऐसे आपको दिखाना क्या है, हम ऐसे ही पहनते पहनते घर तक पता नहीं अभी क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है सारी शॉपिंग रास्ते में ही निकल जाए। शाम के जब हम लेट हो जाते हैं ना तो टेंशन ये रहती कि घर कब पहुंचेंगे। अब भूख अपने आप मर जाती है, बस टेंशन दिमाग में ये रहती कि घर पहुंचना है, टाइम से पहुंचना है। और प्रॉब्लम ये है कि हम कभी टाइम से चलते नहीं हैं, चलते नहीं हैं तो टाइम से पहुंचते नहीं हैं। और जब तक घर नहीं पहुंचेंगे ना, डैड के फ़ोन आते रहेंगे और हर फोन में को टेंशन देगी, डैड बोलेंगे इतना लेट क्यों हो गए, क्यों हो गए। सो गाइस, इस टाइम में हम ढली में, जो मेरी गाड़ी है अगर आपको दिख रही होगी मेरे वो देखो आप, मेरे बैक साइड में गाड़ी दिख रही है, वहाँ पर मैंने गाड़ी वहाँ पर पार्क की है। एक्चुअली हुआ क्या कि हम जब शिमला पहुँचे तो हम 5:30 बजे यहाँ पर पहुँचे, अचानक मेरी गाड़ी के जो बोनट है उस पर से धुआं निकलने लगा। तो देखा मैंने तो जो रेडिएटर कैप होता है जिसमें कूलेंट डालते हैं, उसका कैप लीक हो गया और उससे पानी लीक करने लगा। तो उस वजह से क्या हुआ कि हमारे को अब जब हमने यहाँ मार्केट में पता किया उसका कैप तो हमें कहीं नहीं मिला। अब अपनी हमारी जो गाड़ी भी है थोड़ा पुराना मॉडल है तो उसका कैप एकदम यहाँ ढली में तो एटलीस्ट नहीं थे कहीं, और गाड़ी चल नहीं रही थी कहीं, और जाम बहुत ज़्यादा था। तो हमें अब क्या करना पड़ा कि गाड़ी यहीं पर पार्क करनी पड़ी। होटल हमने अपने मेरे बैक साइड में, अगर आप देखोगे तो ये होटल है, ऊपर होटल मजेस्टी होटल है। ये होटल बिल्कुल टनल के साथ है, बिल्कुल आप देख सकते हो टनल, बिल्कुल शिमला टनल, ढली टनल है, इसके बिल्कुल 50 फुट साथ में ही है ये मजेस्टी होटल। इस होटल में हमने रूम ले लिया है, ईशा को और वीवी को मैं रूम पर छोड़ के आ चुका हूँ। अब यहाँ से चलते हैं रूम की तरफ और मैं आपको मिलाता हूँ ईशा और वीवी से। हमारे को एक्चुअली बिल्कुल विंडो साइड रूम मिला है, यहाँ से बिल्कुल रोड भी सामने नज़र आता है। और ईशा कहाँ गई? ये है ईशा। हमें ना हमारे को ना पहली बार ऐसा हुआ कि घर पहुँचने में 3 दिन लग रहे हैं, आज भी हम रुक गए हैं, अब कल जाएंगे हम। आज तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इस तरह से, बट क्या कर सकते हैं, फिर एक दिन और हमें कहीं होटल में रुकना लिखा था कि एक दिन हम आज होटल में रुकेंगे। और तो मेरा तो पूरा था कि मैं इस टाइम घर में होंगी आराम से बैठ के, सच में घर में पेरेंट्स के साथ कंफर्ट कुछ और ही होता है ऑब्वियसली। तो आज भी हमारे को यहीं रुकना पड़ेगा। मैं आपको रोड का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये है हमारे रूम से रोड का, ये ढली चौक है, बिल्कुल टनल का साथ जो है बिल्कुल चौक है ये, बिल्कुल संजोली चौक के पास जो टनल आती है ये वो है। यहाँ से ये जो नीचे को देख रहे हैं आप, ये भट्टा कुफर जा रहा है। सो गाइज, बिफोर आई से टाटा बाय बाय, कल का जो हमारा व्लॉग होने वाला है वहाँ पे ऑब्वियसली विल हैव लॉट्स ऑफ टाइम बिकॉज वील जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर अर्ली मॉर्निंग। सो आपको दिखाएंगे नारकंडा की वादियाँ, अगर आपको थोड़ा सा दिखा पाए तो, अगर स्नो होगी कहीं पे तो हम वो चीज भी कवर करेंगे। दिस इज द टाइम लाइक बोथ ऑफ अस आर सो एग्जॉस्टेड एंड वील हैव टू रेस्ट नाउ, एंड दिस वॉज फॉर टुडे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, एंड ऑफ कोर्स दोज हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, सो सब्सक्राइब इट, एंड स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।